वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी डोरी में छेद करने का बहुत ही आसान तरीका, जो कि 2 मिनट में हो जाएगा। तो ये मेरी पुरानी डोरी है, हम इसमें नई डोरी पहनाएंगे। देखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डोरी को इस तरीके से थोड़ा चपटा कर लेंगे और सुई को ले लेंगे और हम कैंडल जला लेंगे, उसमें सुई को हम गर्म कर लेंगे। इससे हमारा छेद बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सुई को पकड़ने के लिए प्लास का यूज़ किया था, क्योंकि सुई बहुत गर्म हो जाती है तो हमारा हाथ जल सकता है। आप किसी और चीज़ से भी इसे पकड़ सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम दोनों साइड सुई का इस्तेमाल करके छेद बना लेंगे और फिर इसमें इस हुक को लगा लेंगे। देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से इसमें हुक फिट हो जा रहा है और हमने प्लास की मदद से इसे थोड़ा खोल लेना है। अब हम इसे मशीन पर लगाएंगे। देखिए, इसे नीचे से लाना है, हमने दोनों साइड को आपस में जॉइन करना है। नीचे से हम कुछ इस प्रकार से ले लेंगे इसको और फिर हम इसको जॉइन कर लेंगे। देखिए, हमारे छेद बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं और हमें प्लास की मदद से इनको आपस में मिला लेना है इस तरीके से। और मशीन के जो गोल वाला पार्ट होता है उसके अंदर से डालना है इसे, ये इसी के लिए दिए रहते हैं। यहीं पर हमारी डोरी घूमती है और नीचे से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी डोरी लग चुकी है। हम आपको इसे चला के दिखाते हैं। ये आसानी से चल रही है, हमने इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं किया है और ज़्यादा लूज भी नहीं किया। इसी तरीके से डोरी में छेद बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।